साथियों नमस्कार, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अलग हटकर वीडियो को लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वेटनरी का एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ नेपाल चालीसा, और इसका जो यूज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है। किस कंडीशन में देना चाहिए, किस रूट से देते हैं, क्या डोज रहेगी, क्या प्रेग्नेंट पशु को दिया जाता है, यानी कि इसके बारे में A to Z सारी जानकारी शेयर करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, इसकी जो पैकेजिंग होती है, ठीक है, वो लगभग आपको 1 किलो का ये पूरा की पूरा पैकेट जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस वे में ये आपको टोटली देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सामने की जो पैकेजिंग होती है वो कुछ इस तरह की आती है। ये एक आयुर्वेदिक पशु औषधि है, ठीक है, नेपाल चालीसा के नाम से आती है, जो पशु में पाचक एवं शक्तिवर्धक होती है। ठीक है, और मैं इसका पूरा रिव्यू आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है, और आप इजीली फिर इसको दुकान में जाकर जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो अब मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ, एक एक करके मैं आपको डीपली जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आपका जो पशु है, देखिए, उसमें अपचन हो गया है, ठीक है, एनोरेक्सिया हो गया, डिस्पेसिया हो गया है, कब्ज हो गया है, कमजोरी हो गई है, थकान हो गई है, तनाव की स्थिति में है। एक एक करके मैं आपको डीपली समझाऊंगा। अपचन का मतलब और एनोरेक्सिया का मतलब होता है, जैसे आपका जो पशु है वो लंबे टाइम से घास वगैरह नहीं खा रहा है, कई 10 दिनों से नहीं खाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, ठीक है, और इस तरह की जो टिपिकल कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ ही पशु में कब्ज का पता है आपको, ठीक है, पशु में कब्ज की कंडीशन हो जाती है और कमजोरी वीकनेस हो जाती है, जब आपका पशु कुछ खाना पीना कम कर देता है तो पशु में कब्ज हो जाएगी, कमजोरी होगी, थकान, तनाव, ये सारी की सारी कंडीशंस आपके एनिमल में देखने को मिल जाती है। ठीक है, और जैसे आपके पशु में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो इनगैस्टा भर जाता है। ठीक है, इनगैस्टा माने कि जो आपने बहुत अधिक मात्रा में जो पशु को चारा खिला दिया होता है, या पशु गंदा गला सड़ा जो चारा खाता है, ठीक है, उस कंडीशन में भी आपके पशु में जो अपचन की शिकायत होती है वो हो जाती है। यानी कि किसी भी कारण से आपका जो पशु है वो चारा नहीं खा रहा है, ठीक है, एपिटाइट, एनोरेक्सिया, इस तरह की कंडीशन हो गई है, ठीक है, तो इन जितने भी मैंने आपके साथ ये कंडीशन शेयर की, ये सारी की सारी कंडीशंस में आप जो है नेपाल चालीसा का इस्तेमाल अपने पशु में कर सकते हैं। और गाइस, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं अपने नॉलेज से फील्ड में जो जो यूज़ करते हैं उसी बेस पे मैं आपको जो है वो प्रोडक्ट की जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है। और इसका अगर आप एक मतलब आपको PDF रूप चाहिए, लिखित रूप में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप जाइए और पूरी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इसको आप अपने नियर बाई वेटनरी हॉस्पिटल, जो मेडिकल स्टोर होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ पर आप जाकर इसको एक बार पूछ सकते हैं। अगर आपके पशु में प्रॉब्लम है तो फ्री में आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं ऑनलाइन, या आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें भी आप जो ऑनलाइन इसका चेकआउट कर सकते हैं कि अवेलेबल है या फिर नहीं है। और 1 किलो की पैकेजिंग में ये आता है, तो आपका बड़े आराम से ये चल पड़ेगा, 15 से 20 दिन तक बड़े पशुओं में आराम से आपका निकल जाएगा। और छोटे पशुओं की बात करें तो छोटे पशुओं में तो 2-3 महीने तक जो है आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या होता है कि पशु में, किस पशु में हमें इसकी क्या डोज देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे खुराक इन्होंने इजीली बताई होती है। अगर मैं बात करूँ, जैसे इसका जो यूज़ है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, छोटे काफ में, घोड़े में, ठीक है, इन सभी में किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि हमारा कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, और जो भी बड़े बड़े लार्ज एनिमल के साइज़ होते हैं, तो उनमें इसको जो है वो 60 से 90 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, पर डे जो है वो 60 से 90 ग्राम तक इसको दिया जाता है। अब दूसरे स्थान पर हमारे जैसे गाय है, भैंस है और घोड़ा है, ठीक है, तो इसमें हम
40 से लेकर 60 ग्राम तक, ठीक है, 40 से लेकर 60 ग्राम तक पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें इन्होंने मेंशन किया है, आप इसको खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद जैसे छोटे काफ हैं, ठीक है, पिग हो गए, हीफर्स हो जाती हैं जो हमारे, तो उसमें हम 20 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, 20 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से। और जैसे शीप और गोट है, ठीक है, तो शीप और गोट में हम 10 से 15 ग्राम पर डे के बेस पे जो है वो दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसको हमेशा पशुओं में ऑरली रूट से देना है, यानी कि पशुओं को मुंह के माध्यम से ही जो है ये खिलाना है। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह का कोई भी लिक्विड फॉर्म का या कोई भी दवाई या फिर कोई भी मेडिसिन अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो कभी भी पशु की जीभ को ना पकड़ें, ठीक है। जब अगर आप पशु की जीभ को पकड़ते हैं तो अच्छी तरह से जो है वो अंदर की ओर नहीं ले जाता है, और पशु में क्या होता है कि फिर फेफड़ों में ये दवाई चली जाएगी और पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया होने की कंडीशन बन जाती है। इस तरह के फील्ड में काफ़ी सारे केस आते हैं, फार्मर जो लोग हैं हमारे किसान भाई वो गलत तरीके से पशुओं में कुछ भी ऐसा जो दवाई होती है उसको खिला देते हैं, फिर यहाँ से पशु को जो रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पशु में ये इस तरह की जो कंडीशंस हैं, पशु में अपचन है, एनोरेक्सिया है, कमजोरी, थकान, तनाव, ठीक है, डिप्रेस्ड है, तो आप ये जो नेपाल चालीसा है या इस वे का कोई भी अदर प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपने नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल वाले की देख रेख में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका ये भी बता देता हूँ कंपोजिशन में, कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पड़ी होती हैं। ये प्रॉपर वे में आयुर्वेदिक है, ठीक है, और हमारा देसी प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। तो जैसे इंडिका इसमें है, सतिवन इसमें है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारा जो है आयुर्वेदिक है, ठीक है, सारा के सारा जो है वो आयुर्वेदिक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पशु इसको खिलाएंगे तो आपका जो पशु है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होगी है। जो डोज़ आपको बताई है उसी डोज़ पे आपको अपने पशुओं को ये खिलाना है। बहुत अधिक डोज दे देते हैं, ठीक है, तो पशुओं में फिर क्या होता है कि दस्त वगैरह की शिकायत भी बन जाती है। अगर हाई डोज में दे देंगे, ठीक है, ऐसा सोचेंगे कि मैं ज़्यादा मात्रा में पशु को खिलाऊंगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। इससे आपके पशु की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो हमेशा जो डोज है वही आप बॉडी वेट बेस पे देना है, सिंपली आपका जो पशु है वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। अगर हाँ कोई खास अलग ही बीमारी है तो उसमें भी आप अपने पशु चिकित्सक के फिर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लिखाएं और उसके उसको करवाएं फिर। तो आई होप अगर आपको आज का जो ये वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। धन्यवाद।